हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलीभा किचन। आज हम गणपति पापा के फेवरेट मोदक बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कढ़ाई में एक कटोरी पोहे को लो फ्लेम में भून रही हूँ। उसको चलाते रहना, नहीं तो जल जाएगी। और अब हमारा पोहा एकदम अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने गुड़ को थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ। सारे गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने मिक्सी में पोहे को पहले डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने क्रश गुड़ को डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ काजू डाल रही हूँ और एक कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब हमारे सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं एक प्लेट में उसको निकाल रही हूँ। उसके बाद कुछ टूटी फूटी मैंने उसके ऊपर ले रही हूँ और कुछ गुनगुना दूध। दूध मैंने थोड़ा सा ही ली हूँ इसके बाइंडिंग के लिए। एक साथ ज़्यादा दूध मत डालना। थोड़ा सा ड्राई लगा इसलिए मैं और थोड़ा सा दूध ली हूँ। और ये सारी चीज़ें एकदम एक डो की तरह हो चुका है। इसको मैं हाथ में थोड़ा सा घी ली हूँ और मोदक का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं लड्डू की तरह। और अब हमारे पोहे वाले मोदक तैयार है। बहुत इजी है। आप भी इस तरह मोदक एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय मां समली।